प्रॉब्लम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8, इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर दिए हैं। कृपया जाना हो तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, लिखा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स, ये ए अभी दिया हुआ है, इज ए नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स होगा। और इसमें लेना क्या है, नल मैट्रिक्स है, यहाँ देखिए दे नल मैट्रिक्स प्रूव करना है। अब इसमें लेना क्या है, थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ थीटा बाय टू। इसमें कहना है जो थीटा और फाई का जो डिफरेंस होगा, इसमें थीटा माइनस फाई जो होगा वो ऑड मल्टीपल इन टू पाई बाय टू रहेगा। देखिए हम आगे बनाए कुछ, तो जैसे हमने ए क्रॉस बी लिखा है और ए का वैल्यू बी लिख दिया है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये इस करेंगे इसका, देखिएगा इसको बहुत लंबा है इसलिए हम निकालें, इससे अच्छा मैं इसका डायरेक्ट आंसर देता हूँ, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका है कॉस थीटा एंड कॉस फाई, इसका आएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और इधर वाला क्या आएगा, इधर वाला देखिएगा तो कॉस थीटा साइन फाई आएगा कॉस कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये हो गया। और दूसरा रूम जो आएगा वो है साइन थीटा साइन फाई रहेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और इधर रहेगा साइन थीटा साइन फाई। हम डायरेक्ट लिख के बताते हैं कि हमने पूरा ही चारों लिख दिया है। अब एक आप फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है। ये देख सकते हैं कि यहाँ जो दिख रहा है थीटा फाई, देखिए कॉस में ही है, ये भी साइन में है ना, इसी तरह यहाँ भी कॉस थीटा है फिर कॉस फाई है फिर साइन थीटा है साइन फाई है, हर जगह ये वाला सिर्फ कॉस थीटा माइनस फाइव पुट करेंगे। ये हम फिर इसको पुट कर देते हैं, इसके देखिए सिर्फ इसके जगह पे पुट करेंगे हम कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, हम पुट डायरेक्ट आंसर लिख के आपको बताते हैं। देखिए आप लोग मिलाइएगा कि आप लोग बना के उसको मिलाइएगा कि सही है कि नहीं, ऐसे नहीं हमने तो बनाया है लेकिन हम इतना बड़ा बड़ा इसे नहीं कर पाया, लेकिन आप लोग बनाइएगा देखिएगा आएगा तब मैं समझिएगा हाँ मेरा सही लिखा है। तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ सिर्फ क्या कि इसी जगह पर हमने कॉस थीटा माइनस फाइव कर दिया है हर जगह। अब आप एक देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पढ़िए क्या लिखा नल मैट्रिक्स, यहाँ तक तो अभी नहीं हुआ है लेकिन ये देखिए इस क्या पढ़िए थीटा एंड फाई डिफर, बीच डिफर में क्या होता है थीटा माइनस फाइव जो है माइनस होगा थीटा माइनस फाइव जो है वो किसके इक्वल टू है ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल कैसे होते हैं जैसे थ्री हुआ वन हुआ थ्री हुआ फाइव हुआ सेवन उसको कहते हैं, उसके मल्टीपल में क्या है पाई बाय टू। जैसे मैंने देखिए थीटा माइनस फाइव लिखे यहाँ देखिए टू ए माइनस प्लस वन पाई बाय टू, अब मान लीजिए अब जीरो रखते हैं जीरो रखते तो वन पाई बाय टू आएगा फिर वन रखते हैं तो टू ए थ्री थ्री पाई बाय टू भी देख रहे हैं वन थ्री मान लीजिए फिर हम यहाँ टू रखते हैं टू फोर ए फाइव फाइव आता जिसमें वन थ्री फाइव आएगा तो ये सब क्या है ऑड है ऑड मल्टीपल हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कॉस ले लेते हैं, इसलिए कॉस लेंगे थीटा माइनस फाइव। अब जानते हैं कोई भी अब इतना जानते हैं ना कि कॉस नब्बे कितना होता है, कॉस नब्बे जीरो होता है कॉस नाइन्टी जीरो होता है, इस मल्टीपल में की कोई चीज़ है नाइन्टी है इसमें जीरो होगा तो ये अब क्या करते हैं कॉस फाइव माइनस थीटा यहाँ पर जीरो रख देंगे, देख सकते हैं यहाँ जीरो रखेंगे ये भी जीरो हो जाएगा और यहाँ रखेंगे जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा। इस मतलब है कि ये हम लोग का प्रूफ हो गया कि ए क्रॉस बी है ये नल मैट्रिक्स कितना जीरो 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 आया, ये हमारा प्रूव हो गया। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें जो फर्स्ट से में पढ़ते हैं। थैंक यू।